वेलकम टू माई YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन द बॉन्ड ऑफ लव, जिसको लिखा है केनेथ एंडरसन नाम के राइटर ने। यहाँ पे जो स्टोरी है इसको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है, तो ऑथर ने आई वर्ड यूज़ किया है और वो ब्रूनो की बात करता है जो कि उसकी वाइफ का पेट स्लॉथ बियर है। स्लॉथ बियर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो ये बताते हैं कि उनको वो बियर मिला एक्सीडेंटली 2 साल पहले जब वो शुगरकेन फील्ड्स में जा रहे थे मैसूर के, तो वहाँ पे लोग जंगली सुअर को मारने के लिए निकले हुए थे, तो कई लोग उन पर गोलियां बरसा रहे थे और कई सारे जो जंगली सुअर थे वो भाग गए थे। और इस समय उनके सामने एक ब्लैक स्लॉथ बियर आया जो कि हाफता दौड़ता उनके सामने गर्म धूप में सामने आ गया। अब जैसे ही उन्होंने देखा तो वो चाहते थे कि उसको बचा लें, लेकिन उनका जो एक कंपेनियन था उसने उस पुअर बीस्ट को मार दिया। अब जब वो जानवर वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था तो उसकी बॉडी से चिपका हुआ था एक छोटा सा स्लॉथ बियर, जिसको आगे चल के नाम दिया गया ब्रूनो। अब ये जो ब्रूनो था वो बच गया था, तो यहाँ पर वो भागने लगा, तो ऑथर ने जाके उसको शुगरकेन फील्ड से पकड़ के ला के उसकी नेक में एक छोटा सा कपड़ा बांध के उसको लाके उसकी वाइफ को दे दिया। और यहाँ पे जब उसने देखा कि उसके हुक्ड क्लॉज थे और उसने कोशिश करी ऑथर से अपने आप को छुड़ा के भागने की, तो उसने उसको एक गनी बैग में रख के बैंगलोर लाके अपनी वाइफ को प्रेजेंट के तौर पे दिया। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने एक रिबन लेके उसके गले के आसपास डाला। और जब ये पता चला कि जो कब है ये एक लड़का है, तो उसका नाम रखा गया ब्रूनो। अब ब्रूनो जो था छोटी बॉटल से दूध पीना स्टार्ट किया, छोटे बच्चे के जैसे इसको पाला गया और दिन ब दिन बढ़ता चला गया। और ब्रूनो कुछ भी खा सकता था, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ों की बात करी गई है इंग्रेडिएंट्स की, जो कि किसी भी चीज़ से बन सकता था, उसका दलिया या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट उसको बहुत पसंद था, स्पेशली पोर्क, करी, राइस, रिगार्डलेस उसमें कितने ही मसाले क्यों ना हो, मिर्ची हो, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग्स, आइसक्रीम, सारी चीज़ें वो खा सकता था। ड्रिंक्स में उसको मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क मतलब छाछ, बियर, अल्कोहलिक लिकर, ये सारी चीज़ें दे सकते थे। कोई भी लिक्विड होगी वो चीज़ें आराम से खा पी के मस्त हो जाता था। और जो ये बियर था वो उनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया। इनके यहाँ पे 2 अल्सेशियन डॉग्स थे और जो टेनेंट्स के बच्चे थे जो बंगलों में रहते थे उनके साथ भी काफ़ी खेलता था। दिन भर इसका खेलना कूदना और अच्छे से उनके बेड्स पे जाना और सोना, एंड द बियर वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ एंड दे वर एंजॉयिंग द कंपनी। एक एक्सीडेंट होता है जो कि बहुत मेजर स्टोरी का इंसिडेंट है। कुछ पॉइजन रखा गया था बेरियम कार्बोनेट चूहों को मारने के लिए और ये लाइब्रेरी में पड़ा हुआ था। ब्रूनो लाइब्रेरी में गया और उसने वहाँ जाके वो पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस उसको इतना सेट हो गया कि वो अपने आप चल भी नहीं पा रहा था। और पॉइजनिंग का केस लेकर ये लोग डॉक्टर के पास पहुँचे, वेटनरी डॉक्टर के पास, और वेटनरी डॉक्टर को जब बताया गया कि यहाँ पे उसने बेरियम कार्बोनेट खाया है, तो उन्होंने एक अपनी किताब निकाली और उसमें से बेरियम कार्बोनेट पर जाके एक इंजेक्शन निकाला और सिरिंज में भरते हुए उसको वो इंजेक्शन दिया गया। जब वो इंजेक्शन उसकी बॉडी में डाला गया तब कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा इंजेक्शन डाला गया 10 cc का, 10 मिनट के बाद उसकी जो ब्रीदिंग थी वो नॉर्मल हुई और उसके बाद 30 मिनट्स के बाद ब्रूनो जैसा था वैसा हो गया। तो बेरियम कार्बोनेट का उस पर कोई असर नहीं हुआ और ऐसा रिएक्शन उसने दिया जैसे बेरियम कार्बोनेट एक बियर का कर क्या सकता है। उसके बाद एक दूसरा इंसिडेंट होता है जब 1 गैलन इंजन ऑयल रखा हुआ था और वो उसने पी लिया, जो कि टर्माइट्स को मारने के लिए था, घर में जो गूज वगैरह होती है, बट देन उसको कुछ नहीं हुआ, इस बार वो एकदम सही था। जैसे जैसे महीने बढ़ते गए ब्रूनो का साइज़ बढ़ता गया और वो अल्सेशियन डॉग्स के बराबर हो गया था हाइट में और उनसे भी ज़्यादा बड़ा होने लगा था, लेकिन अभी भी वो बहुत स्वीट था, मिस्चीवियस था, खेलता था और उसको बहुत मज़ा आता था खाना खाने में। और उसको बाबा कह के बुलाती थी ऑथर की वाइफ, बाबा मतलब जो हिंदुस्तानी में एक छोटे बच्चे को बोलते हैं। जब वो कमांड करती थी बाबा रेसल या बाबा बॉक्स, तो वो बॉक्सिंग के जेस्चर्स करता था। बाबा होल्ड गन जब बोला जाता था तो एक स्टिक लेके वो उससे खेला करता था। जब वो बोलते थे वेर इज़ द बेबी, तो वो अपने आप को एक छोटे से बच्चे के जैसे मोड़ लेता था, एंड यूज़ टू एक्ट लाइक अ स्मॉल बेबी। इस तरीके से उसके एडवेंचर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। जो ऑथर का बेटा होता है वो अब उसकी वाइफ को एडवाइस करता है, मतलब अपनी माँ को बोलता है ऑथर की वाइफ को, कि बाबा अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसको मैसूर के जू में भेज देना चाहिए, इसको घर में रखना अब सेफ नहीं होगा। जैसे जैसे हफ्ते बीते, बाद में जाके ऑथर की वाइफ ने कंसेंट कर दिया। तुरंत उन्होंने पैक ऑफ करके एक जू के क्यूरेटर को एक लेटर लिखा कि क्या आपको एक बियर चाहिए, टेम बियर मतलब पालतू बियर चाहिए आपको अपने कलेक्शन के लिए। उन्होंने कहा हाँ, और फिर मैसूर से एक केज आई, एक लॉरी में रख के बाबा को यहाँ से भेज दिया गया। अब जब बाबा को यहाँ से भेज दिया गया तब उनको बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ग्रीफ होने लगा, हर कोई उसको बहुत ज़्यादा मिस करता था।
बट एक तरीके से वो रिलीव थे क्योंकि उनको पता था कि घर की चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, बच्चे सेफ हो गए जो टेनेंट्स के थे, और जो डॉग्स थे वो भी अब सेफ थे. लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो बाबा है वो भी खा पी नहीं रहा था. उन्होंने ज़ू में पता लगवाया तो जितने लोग जहाँ जाया करते थे उनसे बार बार बोलते थे मैसूर में कि प्लीज़ आप जाके बाबा को देख के आइए. और जो ऑथर की वाइफ थी उनकी हालत भी बहुत मिजरेबल होने लगी. उन्होंने एक दिन फाइनली अपने हस्बैंड को बोला कि अगर आप मुझे वहाँ नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद बस पकड़ के जाऊँगी बैंगलोर से मैसूर और जाके उसको देख के आऊँगी. जो भी फ्रेंड्स वहाँ पर थे वो ये बोल रहे थे कि शायद वो बियर अब तुमको पहचानेगा नहीं, और ऑथर को भी शायद यही लग रहा था. बट जैसे ही वो यहाँ पे गए उसके केज के बाहर खड़े थे, बाबा अचानक से उचक पड़ा और देखा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश हो गया. ऑथर की वाइफ ने उसको बार्स के थ्रू खिलाया और उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया. उसके बाद 3 घंटे तक वो उसको सारी चीज़ें देती रही, चाय, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या. जब क्लोजिंग टाइम हुआ तो हमको यहाँ से जाना पड़ा, और जो उसकी वाइफ थी वो बहुत गुस्से में आके रोने लग गई और बाबा भी रोने लग गया. और जू के कीपर्स ने बताया कि इतने दिनों में शायद पहली बार उसको इतना खुश देखा है और अब उनको आगे नहीं पता कि क्या करना है. अब उसके बाद उन्होंने क्यूरेटर से रिक्वेस्ट करी कि क्या हम अपने बाबा को वापस ले जा सकते हैं. तो अब जो क्यूरेटर था उसने कहा कि अब ये ज़ू की प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मैं आपको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ले जाने नहीं दूंगा. आप चाहें तो सुपरिटेंडेंट जो बैंगलोर में रहते हैं उनके पास जाके एक लेटर लिखवा सकते हैं. अब यहाँ से वो लोग बैंगलोर जाते हैं, सुपरिटेंडेंट के घर जाते हैं और उनके सामने एक रिक्वेस्ट रखते हैं रोते हुए कि प्लीज़ आप हमारी बात मान लीजिए और कंसेंट कर दीजिए. अब जो सुपरिटेंडेंट थे काफ़ी अच्छा आदमी था और उसके बाद वो हाँ कर देता है. तब ये लोग वापस मैसूर जाते हैं सुपरिटेंडेंट का लेटर लेके. उसके लिए एक छोटा सा केज लाया जाता है जिसमें बाबा को फिट किया जाता है और गाड़ी के ऊपर रख के ये लोग बैंगलोर वापस आते हैं. जब घर आते हैं तो बहुत सारी कुलीज को बुलाया जाता है, एक स्पेशल वर्क करवाया जाता है उनके कंपाउंड में. एक छोटा सा आइलैंड बनाया जाता है बाबा के लिए जो कि 20 फीट लंबा था और 15 फीट गहरा था, और उसके आसपास एक सूखा ड्राई पिट था जिसमें 7 फीट तक की डेप्थ थी. एक वुडन बॉक्स रखा गया था जिसके अंदर बाबा कभी जाके सो सके. उसके नीचे भूसा लगाया गया था वहाँ पे, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो बेबी का जो वो गन लेता था या जब वो बेबी बनता था जो भी चीज़ें वो खेलता था वो सारी चीज़ें वहाँ रखी गई थी. और उसके बाद पुलिस ने उतार के वो केज वहाँ पे रखा और बाबा को साइलेंट में रिलीज़ कर दिया गया. अब भी जब उसको बोला जाता है कि बाबा पॉइंट योर गन तो वो गन पॉइंट करता है, और वाइफ जो है घंटों बिताती है वहाँ जाने के लिए. वो आइलैंड पे जाने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग बताया गया है. एक रोप बांधी गई थी मैंगो ट्री से और उसकी रोप की एक लूप बनाई गई है तो वो रूप को कवर करते हुए वहाँ पे जाती है. तो कौन कह सकता है कि जो बॉन्ड ऑफ लव है वो सिर्फ इंसानों से हो सकता है. तो ऑथर ने यहाँ पे ये पोर्ट्रे करा है कि जानवरों से भी प्यार किया जा सकता है. आई होप यू लाइक द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. प्लीज़ डू like, share, subscribe to our channel for more updates.